और इधर पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी के लिए जागरूकता प्रसार रथ रवाना किया गया। इस दौरान मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने रामनवमी पर लोगों से डाक बंगला चौराहे पर आने की अपील की। कहा कि रथ पूरे पटना में घूमेगा और लोगों को आमंत्रण देगा। क्या पहला दिन है रामनवमी, राम मंदिर बन गया है, वो आस्था विश्वास की बात है। किशोर कुणाल जी यहाँ उपस्थित है, महावीर मंदिर तो कितने वर्षों से आशीर्वाद देता है, और रामनवमी में यहाँ भी बड़ा आयोजन होता है। नितिन है, उप महापौर जी हैं, बाकी साथ हैं, तो आज ये रथ निकल रहा है और उत्साह दे रहा है ना। प्रभु राम को बहुत प्रणाम, वो हम सबों को आशीर्वाद दें। आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर पूरे देश को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, सनातन और चमके आगे बढ़े, यही कामना। धन्यवाद। वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम रथ के पूरे पटना में भ्रमण होता है और राम भक्तों को श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पर रामनवमी के दिन आने का निमंत्रण आमंत्रण देता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी राम भक्तों को, क्योंकि इस वर्ष तो राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो पूरे देश में वातावरण राममय का है और इस बार की रामनवमी से अलग होगी। राम भक्तों को करता हूँ और आज हम लोगों ने हनुमान जी को एक बहुत भव्य सुंदर हार और मुकुट पहनाया है। ये